अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ब्लैक सॉल्ट यानी काले नमक के हमारी सेहत पर हैरत अंगेज असरात। काले नमक के इस्तेमाल के बेशुमार फवायद हैं जिनसे अक्सर अफराद नावाकिफ हैं और इसे इस्तेमाल में नहीं लाते। काला नमक वजन कम करने से लेकर दिल के अमराज तक के लिए मुफीद है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल होती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक काले नमक के तिब्बी फवायद की जानिब। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक काला नमक प्रोसेसर नमक से ज्यादा मुफीद पाया गया है। इसमें कई बीमारियों का इलाज है जबकि इसके इस्तेमाल से दिल की सेहत, वजन में कमी, जोड़ों के दर्द में आराम, सोजश में कमी समेत कई अमराज में मुफीद समझा जाता है। काले नमक को मुतअद्दद ग़िज़ाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसा कि सलाद, दही, फलों और दालों के सूप वगैरह में। काले नमक के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी मुतवाजन रहता है। काले नमक में सोडियम की मिकदार भी कम पाई जाती है जबकि घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले रिफाइंड नमक में सोडियम की मिकदार ज़्यादा पाई जाने की वजह से इंसान मुतअद्दद सेहत से मुतालिक शिकायत में घिर जाता है। काले नमक को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से हासिल होने वाले फवायद मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर है वजन में कमी। सोडियम की कम मिकदार के सबब काले नमक के इस्तेमाल से पेट फूलने की शिकायत से निजात मिलती है जबकि जिस्म में इजाफी पानी भी जमा नहीं होता। काले नमक के इस्तेमाल से वजन में क्लोज में कमी लाई जा सकती है जो कि आपके वजन को कम करने में मुआवन साबित होता है। उसके बाद निजाम हजम की कारकर्दगी है। काले नमक के इस्तेमाल से निजाम हजम की कारकर्दगी में पॉजिटिव फर्क पड़ता है। आंतों की सफाई और मुजरे सेहत मादों का इखराज मुमकिन हो जाता है। इसके अलावा जिस्म में दर्दों की कमी का सबब भी है। काले नमक के इस्तेमाल से जहां ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है वहीं जिल्दी अमराज का भी इलाज होता है। नीम गर्म पानी में काला नमक मिलाकर आप टब बाथ लिया जा ले सकते हैं या अपने पांव इस पानी में भिगोए जाएं तो दिन भर की थकावट से छुटकारा हासिल होता है और जहनी तनाव से राहत मिलती है। सांस की बीमारियों में काला नमक जिन अफराद को सांस लेने के निजाम से मुतालक मुख्तलिफ किस्म की शिकायत होती रहती हैं उन्हें काले नमक का इस्तेमाल तजवीज किया जाता है। काले नमक के इस्तेमाल से मिट्टी से होने वाली एलर्जी या सांस की बीमारी में आराम मिलता है। काले नमक वाले पानी से भाप लेने में सांस की नाली और बलगम की सफाई होती है जिसके नतीजे में सांस लेने में दिक्कत दूर होती है। नीम गर्म पानी में काला नमक मिलाकर गरारे करने से गले की खराश में आराम मिलता है। इसके अलावा पट्ठों के दर्द के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपके बदन के पट्ठों के दर्द और खिंचाव की शिकायत में काले नमक का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। जिन अफराद को पट्ठों के दर्द की शिकायत हो उन्हें रिफाइंड नमक की बजाय काले नमक का इस्तेमाल तजवीज किया जाता है। काले नमक में पोटाशियम की मिकदार पाई जाती है जो कि पट्ठों की सेहत के लिए जरूरी जुज्व समझा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।